ये बन रहे हैं पकोड़े। ये हमारा पकोड़े का बेसन तैयार है। यहाँ पे बन रहे गैस चूल्हे पे और यहाँ पे बना के रखे हैं। आप लोग भी आइएगा, पकोड़े का स्वाद ये परे चूल्हा मैं यहाँ पे पकौड़े निकालने वाली हूँ। अभी हो गए, चल चल फिर ये जो नीचे जो मैं बात करे डाट दो नहीं पापोली ना और अभी निकल नहीं रहा। नहीं कहा ना तो ये छोटे छोटे तो रहती है ना ना तो रोने जैसे भी जैसे निकल दाखी जलेगी जो इसमें बंद डोने लो डालो। बाबा का प्रसीना, ये मेरे पति देव जी है, इधर को देखिएगा प्रसीने से तर हो गए। प्रसीना क्या प्रसीना निकला। ये बहुत ही हार्ड काम कर रहे हैं पकौड़े बनाने का, इसलिए पसीने 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 हो गए हैं। इतना भारी काम है। खाने के लिए हल्का बोला, क्या बोल रहे हैं, बनाने के लिए बोला भारी काम कच्चे नहीं रहने चाहिए, थोड़े बड़े बड़े आपने बनाए निकालू। कर कसम लो फिर, चल 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 एक तो है मेरी ये मेरे जानना भी इतना वही जलेगी।
ये लास्ट डिश है शिवरात्रि की, बाकी सब डिशे बना चुके हैं। पापड़ है, पोल्टू है, बड़े हैं, काले चूड़े हैं, और आपके नीचे रख दी मैंने, अब शाम को उसकी उसको दिखाऊंगी। और जी मटर है, बाकी शिव जी के पहुंचने पर अब बारात का स्वागत भी करना है भाई। ज्यादा क्यों की है कैसे ए, और काटो इसमें आलू प्याज काटे पतला भी थोड़ा बस 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 एक मिनट दे बाकी ठंड होती है ये परसीनो कीड़ा आप लोग देखे मेरा तो नहीं है परसीना है मेरे पर बाद में देखना है आपने अपनी वीडियो कैसे परसीना निकल रहा है मेरा तो नहीं निकल रहा तुम गर्मातम में निकल रहा कि नहीं निकल रहा है निकल रहा तुम जो गर्मातम में ताजी चाय मेरे माते ही ना निकल दो ना सोच लगे मैं नहीं दिखाऊंगी अपना परसीना मैंने इसमें क्यों डालने ये तो दूसरे तक ये क्रंची खाने को आपके भी सॉफ्ट प्याज काटे था बस भाई आलू जो नहीं तो पा रहे हो आलू कहाँ आलू जो गए थे जो जो प्याज पाए थे काटेगा और बोला ना कि प्याज इतना